अभी रेस्टोरेंट खोलने में थोड़ा टाइम है। शुक्रिया, थैंक यू। माफी चाहते हैं। और राहिमी, कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। फातिमा गुल ने कहा था कि यहीं रुके। हाँ, उसकी तो हर बात हुक्म का दर्जा रखती है ना। जब तक करीम जेल से छूटकर नहीं आ जाता, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। और हम यहाँ इस खाली रेस्टोरेंट में रुककर भी क्या करें? तो तुम कुछ बना नहीं सकती? और तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ पका सकती हूँ इस हालत में? चलो। बोरा का आटा फ्रिज में रखा हुआ है और उसकी फिलिंग भी बना के गए हैं। अगर आप उसको बना दें तो मैं पका लूंगा और हमारे कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। अरे वाह वाह, ये एक और होशियार आया। हर चीज में दखलंदाजी मत करो बच्चे। सॉरी। इसे तुम्हारी बात से तकलीफ हुई है? तंग करेगा तो सुनेगा भी और तकलीफ भी होगी। वैसे एक ख्याल आया है, तुम कहीं उनके आदमी तो नहीं? किसका आदमी? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? जाहिर है, कैसे आएगा? इसकी असलियत भी जल्द खुल जाएगी। यशरान का आदमी? क्या ये यशरान का आदमी है? नहीं 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 हो सकता ये। देखो उसकी शक्ल कितना ईमानदार है, नहीं हो सकता ये। लेकिन सोचो तो, ये सारे इस्तांबुल छोड़कर यहाँ क्यों आया? अब सोचो तो, यशरान को ये कैसे पता चला कि मुस्तफा यहाँ पर था और उन्होंने अपना आदमी किस तरह भेजा? जाहिर है किसी ने खबर दी होगी, नहीं तो यशरान के वहमो गुमान में भी कैसे आती है बात? तो क्या इसने मुखबरी की है? किसी पर झूठा इल्जाम लगाना तो गुनाह है, मगर मुझे तो इस पर शक हो रहा है, कहीं इनका मुखबर तो नहीं। शुक्र है हम पहुंच गए। आओ अंदर चलें। घबराहट हो रही है आपा। किस कमरे में जाएं? सबर करो जरा, मेरे तो हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे हैं। मेरा नाम कादिर है, हमें मेहमत साहब से मिलना था। अजमेर के दफ्तर इस्तगासा ने हमें यहाँ आने को कहा। वो इस वक्त मीटिंग में है, आप यहीं इंतजार कीजिए। शुक्रिया, चलें। अल्लाह करे ज्यादा देर ना लगे उन्हें। पता नहीं अजमेर से यहाँ कागजात पहुँच भी गए या अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर आगे होंगे तो वकील इस्तगासा के कमरे में होंगे, वरना इंतजार करना होगा। इस गवाही के बाद वो छोड़ देंगे ना करीम को? मेरी बच्ची, ये सब इतना आसान नहीं है। तफ्तीश जारी है और पेशी भी जरूर होगी, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मगर अब तो साफ पता चल जाएगा कि वो बेकसूर है। हाँ, अभी और वक्त लगेगा और हमें थोड़ा सबर करना होगा। हमने आज तक कितने सबर का मुजाहरा किया है ना, बस अब तो थोड़े ही दिन की बात है। क्या हम लोग यहाँ बैठ जाएं? है सर। क्या पत्ते हैं मेरे पास? हाँ, बस करो। तुम लोग आहिस्ता बात करो, उस फूल वाले की तनहाई में खलल ना पैदा करो। भाई सच में तुमने मुंह पे ताला क्यों लगाया हुआ है? दिल की बात कह देने से दिल को सुकून मिलता है। खत आ गया आखिरकार। आओ बैठो ना। मेरा है क्या? हाँ। शुक्रिया। देखा, वो भाग गया गेम छोड़ के। ये तुम्हारा है? फूल वाले के लिए कुछ भी नहीं? नहीं, इसने पिछला खत अभी तक ठीक से याद नहीं किया। यार उसके तो हरूफ भी मिट चुके होंगे अब तक। अरे रुकना एक मिनट। सुन
तुम घबराना मत, जब तुम इस सगासा को अपना बयान दोगी तो मैं अंदर ही हूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है, काश कि तुमने फातिमा गुल के खिलाफ यशरांस को अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने दिया होता। आपा, वैसे हो सकता है कि अभी भी वक्त हो, क्यों ना इस बारे में भी उनको पूरा सच बता दो। आपा प्लीज, ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। करीम के बारे में सच का बोझ ही तो उतारने आई है ना अपने ऊपर से, वो भी तो एक तरह से बोझ ही होगा ना इस पर, अपना दिल भी हल्का कर सकती है। आपा वो एक अलग मौसम है, इन बातों को एक साथ मत मिलाइए। तुम अंदर जाके बता सकती हो, कह दो उनसे कि तुमसे जबरदस्ती उन्होंने ये बयान दिलवाया था। अगर तुम कबूल कर लो तो इससे हमें कुछ फायदा हो सकता है। तुम सही कह रहे थे, आखिर में मैं ही मुल्जिम करार पाऊंगी। एक मिनट रुको आंसू, कहीं मत जाओ। कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? मत जाओ मुस्तफा, चलो यहाँ से। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, ना तो मैंने कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है। प्लीज ना जाओ, तुम इतनी दूर से आई हो, अब तुम वापस नहीं जा सकती इस तरह। वो लोग जो भी कहे, मुकदमा तो मैं जीत ही जाऊंगी आंसू, मगर इस वक्त करीम को रिहाई मिलना जरूरी है। करीम ने कोई गुनाह नहीं किया है, तो मुझे सच बता दो प्लीज। तुम जाओ और सब कुछ बता दो उन्हें प्लीज। आंसू पुरसकून हो जाओ बेटा, प्लीज समझो। चले अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आप आ गए। जी हम लोग मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। क्या हमारे कागजात इजमीर से आ गए? जी बिल्कुल। अच्छा गवाही कौन देगा? हाजिर ओवजेक। आ जाएं फिर। मैं तो जानता भी नहीं कि हैसर ऑफिसर है कौन। मुझे तो उस दिन पता चला, मेरा मतलब है अदालत में। मैं रोकना चाहता था उसे, बेहद गुस्सा था मुझे, मैं खोल रहा था गुस्से में, मगर मगर क्या? रिशाद साहब जानना चाहते हैं कि तुम फातिमा गुल के पास क्यों गए थे। अच्छा ये पूछा है इन्होंने, तो फिर कान खोल कर सुन लो कि सच साबित हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उस रात की गवाह मौजूद है। क्या चाहते हैं मुझसे? करीम को जो कहना था वो कह चुका है ना आपसे? मैं तुर्की आ गया हूँ। नहीं नहीं नहीं,